अनंत कोटि ब्रह्मांड के सृष्टा, निर्गुण निराकार, निरंजन निर्लिप्त, निर्विकार एवं अनादि अनंत रहित परात्पर सच्चिदानंद परम ब्रह्म को जानने के लिए वेद, उपनिषद व अन्य शास्त्रों के माध्यम ने नेति नेति अर्थात न इति नामक आप्त वाक्य के द्वारा असमर्थता व्यक्त की है। उसी अचिंत्य अव्यक्त रूपातीत अलेख अनंत ब्रह्म की सृष्टि रूपक लीलाओं को प्रकट करने हेतु इस अनंत कोटि परिदृश्यमान जगत की सृष्टि हुई है, जिसका एक अंश है हमारा देश भारत, जो धर्म भूमि के रूप में प्रख्यात है। यहाँ पर ज्ञानी गुणी ऋषि मुनियों ने अवतरित होकर मानव समाज को शिक्षा, संस्कृति व सभ्यता का पाठ पढ़ाया। उन महान विभूतियों ने आदर्श जीवन के जो मानदंड स्थापित किए वही सनातन धर्म कहलाया। जब मनुष्य वनवासी था तब भी उसने सृष्टिकर्ता के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने हेतु पूजा आराधना प्रारंभ कर दी थी, जिसका प्रमाण है पुराण काल में श्री नीलमाधव की पूजा एक गिरी कंदर में, जो आज के आधुनिक उड़ीसा में हुआ करता था। पुराणों में वर्णित दंत कथाओं के अनुसार वनवासियों द्वारा पूजे जाने वाले श्री नीलमाधव की ही कालांतर में श्री जगन्नाथ के रूप में पूजा की जाने लगी। ओडिशा राज्य के पुरी शहर, जो श्री जगन्नाथ धाम के नाम से प्रसिद्ध है, आज हर सनातनी हिंदू के लिए एक पावन तीर्थ है। परंतु आज से 2500 वर्ष पूर्व हमारी इस सनातनी संस्कृति और धर्म के लिए एक चिंताजनक और गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो सनातनी आस्था अपनी अंतिम क्षणों में है। कुरीति, भ्रष्ट आचरण, रूढ़िवादिता, कुसंस्कार, धर्म के नाम पर लोगों को भ्रमित करने के प्रयास के कारण जनसाधारण त्राही त्राही करने लगे थे। धर्म की ग्लानि के इस संकट काल में धर्म की पुनर्स्थापना के लिए एवं सनातनी संस्कृति की धर्म ध्वजा के पहले ही के जैसे महिमामय स्वरूप को बनाए रखने के लिए एक नवीन सूर्य का उदय हुआ हमारे इस भारत भूमि में, परम पावन इस भूखंड के दक्षिणी प्रांत में, जिसे आज हम केरल के नाम से जानते हैं, कालाड़ी नामक ग्राम में श्री आदि शंकराचार्य का आविर्भाव हुआ। और इस प्रकार सनातन संस्कृति के महासागर में जब भाटा आने जैसा प्रतीत हो रहा था, उसमें परम पूजनीय श्री आदि शंकराचार्य के अदम्य साहस एवं प्रयास के फलस्वरूप ज्वार उठने लगे। धर्म व संस्कृति की ज्योति को दीप्यमान बनाए रखने के लिए श्री आदि शंकराचार्य ने समग्र देश का भ्रमण किया। यह शुभ व मंगल कार्य बिना किसी विघ्न के चलता रहे, इसी भावना के साथ देश की चारों दिशाओं में चार मठों की भी स्थापना की गई। और उसी श्रृंखला में श्री जगन्नाथ महाप्रभु के क्षेत्र पुरी धाम की परम पावन भूमि पर सनातन धर्म एवं संस्कृति के रक्षक का दायित्व संपादन करता आ रहा है यहाँ पर स्थापित श्री गोवर्धन पीठ। भारत देश के पूर्वी तट पर श्री जगन्नाथ धाम में भगवत पाद जगत गुरु श्री आदि शंकराचार्य जी ने इस गोवर्धन पीठ की स्थापना की। इस मठ के प्रथम शंकराचार्य के रूप में अधिष्ठित हुए थे श्री पद्म पादाचार्य जी। मठ की स्थापना के समय श्री आदि शंकराचार्य ने जब श्री मंदिर के रत्न सिंहासन को रिक्त देखा तो वे आहत हुए। उस समय बौद्ध धर्म का प्रावल्य एवं एक समूह द्वारा मूर्ति पूजा का घोर विरोध के कारण उनके आक्रमण से सुरक्षित रखने के लिए श्री जगन्नाथ महाप्रभु के विग्रह को पाताली किया गया था। इस संबंध में जनसाधारण अनभिज्ञ थे। आदि गुरु ने ध्यानमग्न होकर मानस नेत्र द्वारा विग्रह की अवस्थिति को देखा और विग्रह उद्धार के लिए गजपति महाराज को निर्देश दिया। विग्रह माटी के भीतर तो विलुप्त प्राय हो गए थे, परंतु ब्रह्म अक्षीर्ण था। विग्रहों का पुनर्निर्माण कर उन्हें वैशाख शुक्ल दशमी के दिन रत्न सिंहासन पर अधिष्ठित किया गया। इसके साथ श्री मंदिर को सुव्यवस्थित रखने के लिए समस्त रीति नीति, पूजा, भोग, सेवा एवं
पर्व त्योहार आदि के विधान निर्धारित किए गए। श्री आदि शंकराचार्य की दूरदर्शिता के कारण मंदिर में भोग मंडप अस्तित्व में आया। उसी समय से श्री मंदिर की सारी पूजा विधि व परंपरा इसी गोवर्धन पीठ के श्री शंकराचार्य जी के मार्गदर्शन में होती आई है। इस पीठ के प्रमुख इष्ट देवता हैं श्री जगन्नाथ, देवी माँ भगवती विमला एवं तीर्थ है महोदधि। भगवत पाद आदि गुरु श्री शंकराचार्य जी ने, जिन्हें भगवान शिव का अवतार भी माना जाता है, शिव शक्ति के महत्व को प्रतिपादित करने के लिए मठ के परिसर में श्री अर्धनारीश्वर महादेव की प्रतिमा की स्थापना की थी। श्री गोवर्धन पीठ के समस्त शंकराचार्य वेद पुराण में निष्णात होने के साथ साथ मूर्धन्य पंडित भी रहे। पीठ के 142वें शंकराचार्य श्री मधुसूदन तीर्थ माँ भगवती के उपासना सिद्ध थे। 143वें शंकराचार्य श्री भारती कृष्ण तीर्थ ने वैदिक गणित की रचना की थी। 144वें शंकराचार्य श्री निरंजन देव तीर्थ ने देश में गोवंश के रक्षण एवं गोहत्या पर प्रतिबंध हेतु 72 दिनों तक अनशन किया था। स्थापना से लेकर अब तक मठ में 145 शंकराचार्य अधिष्ठित हो चुके हैं। ब्रह्मलीन पूर्व शंकराचार्यों की समाधि मठ की भूमि पर निर्मित की गई, जो दुर्भाग्यवश प्रशासनिक उदासीनता के कारण इस समय असामाजिक व धन पिपासु व्यक्तियों के अधिकार में है। गोवर्धन पीठ के वर्तमान पीठाधीश श्रीमद् जगद्गुरु स्वामी निश्चलानंद सरस्वती महाराज, जिन्होंने हिमालय व नैमिषारण्य में घोर साधना कर ब्रह्मज्ञ पुरुष स्वामी हरिहरानंद सरस्वती करपात्री महाराज का शिष्यत्व लाभ किया, अपनी साधना एवं तप के बल पर एक प्रकांड विद्वान व वेद सिद्ध महात्मा के रूप में प्रख्यात है। 1992 में आप इस पद पर अधिष्ठित हुए थे। आपने 90 से भी अधिक सारगर्भक धार्मिक ग्रंथों की रचना की है एवं मानव जाति को सतमार्ग प्रदर्शित करने की दिशा में आप सतत प्रयासरत हैं। मठ परिसर में एक दातव्य चिकित्सालय कार्यरत है, जहां एम्बुलेंस सेवा भी उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त यहां एक वेद पाठशाला, संस्कृत विद्यालय, गौशाला, गो विज्ञान शोध संस्थान आदि भी कार्यरत हैं। गोमाता के गोबर से औषधियां प्रस्तुत की जाती हैं। यहां के व्यायामशाला में प्रशिक्षित युवा राष्ट्रीय स्तर पर यश अर्जित कर रहे हैं। स्वस्ति प्रकाशन के नाम से एक प्रकाशन संस्था भी यहां कार्य कर रहा है। एक स्वस्थ समाज के गठन एवं सनातन धर्म की सुरक्षा हेतु युवाओं की आदित्य वाहिनी, माताओं बहनों की आनंद वाहिनी, बाल वर्ग के लिए बाल आदित्य वाहिनी व बाल आनंद वाहिनी और उसके साथ साथ वयस्कों के लिए पीठ परिषद आदि संगठन सक्रिय है। मठ की ओर से महोदधि की दैनिक सांध्य आरती की भी व्यवस्था की गई है। समय के साथ साथ चलते हुए परंपरा का निर्वाह एवं उन्नति के सोपान पर पग रखने में समन्वय बनाने के उद्देश्य से श्री गोवर्धन पीठ के मठाधीश परम पूज्य श्रीमद् जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती महाराज सतत प्रयासरत हैं। आपके प्रत्यक्ष देखरेख में मठ के विकास हेतु अनेकों योजनाएं इस समय कार्यान्वित की जा रही हैं। इन योजनाओं को मूर्त रूप देकर प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करने के लिए श्री गोवर्धन पीठ उन्नयन संस्थानम नामक एक समिति का गठन किया गया है, जिसके अध्यक्ष हैं पुरी के गजपति महाराज श्री दिव्य सिंह देव महोदय। समिति की कार्यकारिता के महत्व पर ध्यान रखते हुए समिति में पदाधिकारी के रूप में समाज के विभिन्न वर्ग के जाने माने विद्वान, वयोवृद्ध गुणी एवं चिंतनशील व प्रतिष्ठित सज्जनों को नामित किया गया है। मठ की प्राचीन परंपरा के प्रति आस्था व विश्वास, हृदय में भक्तिभाव का प्रावल्य का धरोहर लिए ईश्वर के प्रति समर्पित समिति के समस्त सदस्य परम पूज्य शंकराचार्य महाराज जी की भावनाओं को वास्तवता का रूप देने में संलग्न है। हमारी संस्कृति में मातृशक्ति का जो प्राधान्य है, उस पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मठ के परिसर के भीतर इष्ट देवी माँ भगवती विमला का एक सुदृश्य और भव्य मंदिर निर्माण करने की योजना है, जहाँ पर शास्त्र सम्मत रूप से नियमित पूजा अर्चना की व्यवस्था होगी।
दूर दूर से आए श्रद्धालु मंदिर में प्रसाद सेवन कर तृप्त होने के साथ साथ अपने आप को धन्य भी मानते हैं। भक्तों की इस इच्छा का आदर करते हुए मठ द्वारा एक भव्य पाकशाला व विशाल भोजनागार के निर्माण की योजना भी है, जहां पर एक साथ 3000 भक्त एकत्र भोजन कर सके। मठ परिसर में प्राचीन गुरुकुल के अनुरूप एक सुंदर जलाशय के खनन की व्यवस्था की जा रही है। सत्संग व प्रवचन आदि कार्यक्रम के आयोजन के लिए एक स्थायी सत्संग भवन का निर्माण कार्य की योजना है, जहां की धारण क्षमता 5000 हो। मठ के प्रवेश द्वार की प्राचीनता को अक्षुण्ण रखते हुए इसे विशाल, सुदृश्य और भव्य बनाने की योजना है। सनातन धर्म की सुरक्षा तथा श्री गोवर्धन पीठ की प्राचीन व पावन परंपरा को बनाए रखने हेतु समिति द्वारा तैयार की गई योजनाओं को सफल बनाने में प्रभु श्री जगन्नाथ के आशीर्वाद के साथ साथ आप सभी के महत्वपूर्ण योगदान की कामना करते हैं। हर हर महादेव।